सीतामढ़ी पूरा जिला भीषण बाढ़ की चपेट में है और सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रणजीत कुमार सिंह जायजा लेने पहुँचे हैं। शाम का समय है और ये बाजपट्टी का इलाका है। डीएम साहब, ये बताइए कि क्या स्थिति है आपके ज़िले में बाढ़ की? हम तो देख रहे हैं काफ़ी भीषण स्थिति मुझे दिख रही है। पूरे सीतामढ़ी में 17 ब्लॉक है जिसमें से 15 ब्लॉक पूरी तरह से प्रभावित है। अब तक जो है 152 पंचायत जो है इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग 12 लाख पॉपुलेशन जो है प्रभावित है और अब तक जो रिपोर्टेड है उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 144 धारा लगाई गई है ताकि इस तरह के जो जहां भी जलाशय है या पानी का प्रवाह है वहां पे लोग उत्सुकता बस वहां घूमते रहते हैं, उनको रोकने का ही प्रयास किया जा रहा है। मेरा विजिट करने का मेन मकसद है कि जो हमने कम्युनिटी अभी किचन स्टार्ट किया है 150, उसको सही से संचालित करवाना और लोगों को रेस्क्यू करके जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर स्थापित करना ताकि उनके जान माल की जो क्षति है उसको कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ बाढ़ की स्थिति, ये क्या पानी थोड़ा घट रहा है तो क्या आपको लगता है कि स्थिति में कुछ सुधार आएगा? स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा क्योंकि पानी जो है वो लेवल जो है उसका कम हो रहा है। एंड दूसरी बात यह है कि नेपाल से जो कि अच्छी बारिश हो रही है जिसके चलते इस तरह की पोजीशन आई है। आगे हमें 4-5 दिनों तक और वॉचफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 4-5 दिनों में और भी भारी से भारी बारिश होगी। इसीलिए हम लोग आज एरियल सर्वे भी किया तो क्या आप लोग दिख रहा है सीतामढ़ी का क्या दृश्य है? एरियल सर्वे करने से यह पता चलता है कि पूरा का पूरा सीतामढ़ी में जो है सब पानी का बहुत लेवल है। जहाँ जहाँ लोग बसे हुए उन क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे सीतामढ़ी में ऊपर से एरियल व्यू से पानी का जो है वो फ्लो और पानी फैला हुआ दिख रहा है। स्पेशली बागमती अधवारा समूह से जो पानी ओवरफ्लो हुई है जिसके चलते पूरे के पूरे सीतामढ़ी में पानी जो है वो बहुत कहीं बांध टूटने की भी सूचना बांध टूटने की सूचना नहीं है लेकिन ओवरफ्लो होने के बाद बसबिट्टा से पानी जो है वो निकली है तो उस डैमेज हुआ है बागमती की जो तटबंध है वो, और अधवारा समूह में स्पेशली जो है झीम रातू अधवारा नदी जो है उनमें से वाटर फ्लो बहुत तेज़ी के साथ हुआ है जिसके चलते यह बाढ़ की भी इसका देखने को मिल रही है। लेकिन जान जो बचाव कार्य है उसमें थोड़ी और तेज़ी लाने की ज़रूरत है क्योंकि कई जगह पर लोगों ने ये शिकायत की कि बचाने के लिए बचाव पहुंच नहीं पा रहा है या राहत नहीं पहुँच पा रहा है। चूँकि कम्युनिटी बेस्ड हम लोगों ने प्रयास किया था और अब तक 150 से अधिक कम्युनिटी किचन हमने स्थापित किया है जहाँ लोगों के रहने के लिए और खाने की व्यवस्था करवाई है। 5 ऐसे जो है बड़े लेवल पर हम लोगों ने रिलीफ कैंप स्टार्ट करवाया है। निश्चित रूप से जो भी कमियां हैं उसको हम लोग जल्दी पूरा करेंगे और लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ऊंचे स्थानों पे अभी चले जाएं ताकि आने वाले समय में हमें जो है सो और रिलीफ करने में आसानी हो, रेस्क्यू करने में आसानी हो। धन्यवाद। तो ये थे सीतामढ़ी के जिलाधिकारी जो कि बता रहे थे कि राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है और कई जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। और जहाँ हम खड़े हैं वो दृश्य आपको दिखाना चाह रहे हैं। इतना तेज वेग है इस पानी में, बाजपट्टी का यह इलाका है और इसी तरीके के कमोवेश हर एक इलाके में हमने देखा है। सीतामढ़ी में जो दृश्य देखने में आ रहा है वो काफ़ी भयावह है। केशव आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, बाजपट्टी, सीतामढ़ी।